आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे, वो भी बिना प्याज लहसुन के। इसके लिए हमें चाहिए बराबर साइज के 1 किलो टिंडे। सभी टिंडों को पीलर की सहायता से एक एक करके हम छील लेंगे। देखिए किस तरह से छीलते हैं। देखिए हमारे सभी टिंडे छिल चुके हैं। अब छिले हुए टिंडे को लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा हटाइए और चक्कू की सहायता से धीरे धीरे चलाते हुए सभी टिंडों को इस तरह से खोखला कर लीजिए। लीजिए हमने सभी टिंडों को खोखला कर लिया है। मसालों में 4 चम्मच सौंफ पाउडर, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म कीजिए, उसमें हींग जीरा डाल के मिलाइए। अब टिंडे के अंदर से जो हमने पल्प बाहर निकाला है उसको इस तेल में डाल देंगे और तेज आंच पे लगातार 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे और सभी मसालों को मिला करके तेज आंच पर चलाएंगे ताकि सारा हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। 4 मिनट तेज आंच पर भूनने के बाद 2 मिनट धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद अमचूर पाउडर मिला दीजिए। हमारी टिंडे की भरावन तैयार है। कढ़ाई से निकाल के प्लेट में डालकर भरावन ठंडा कर लीजिए। भरावन ठंडी होने पर सभी टिंडों में चम्मच की सहायता से अंगूठे से दबा दबा कर हम टिंडों को भर लेंगे। 3 चम्मच तेल गरम करके उसमें हींग जीरा डाल के थोड़ा चलाएं। आधी चम्मच हल्दी डाल दें। इसके बाद भरे हुए टिंडों को सभी को इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। टिंडों में चुटकी भर नमक मिलाइए और इन्हें ढक कर के धीमी आंच पर 5 मिनट पकाइए। 5 मिनट बाद हमारे टिंडे ऐसे दिखेंगे। इनको अलट पलट करके 10 मिनट धीमी आंच पर ढक कर फिर पकाइए। 10 मिनट बाद हमारे टिंडे कुछ इस तरह दिखेंगे। इनको दोबारा अलट पलट के चलाइए और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर फिर पकाइए। लीजिए हमारे चटपटे भरवा टिंडे तैयार हैं। भरवा टिंडों को लंच या डिनर में रोटी या पराठे के साथ खाइए।